नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इसी के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं कांग्रेस की संवेदनहीनता के बारे में। जी हां, रतिया में कांग्रेसियों को नहीं याद आई पुलवामा की शहीद जवानों की कुर्बानी। फतेहाबाद के रतिया में राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा की परिवर्तन रैली में भीड़ जुटाने के लिए बालाओं ने लगाए थे ठुमके। एक तरफ जहां पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कुमारी सैलजा की रैलियां रतिया के अंदर आयोजित परिवर्तन रैली में लगाए जा रहे थे ठुमके। इसी रैली में पंजाब के कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मशोक भी पहुंचे थे। आप देख रहे हैं पल-पल रतिया से ये विशेष रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुरेंद्र वर्तिया ने इस रैली का आयोजन करवाया था। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को याद करने के लिए जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, तो वहीं रतिया में कांग्रेस की रैली में जमकर नाच गाना किया जा रहा था। कांग्रेस नेताओं द्वारा शहीदों को याद करने की बजाय अपनी रैली को कामयाब करने के लिए बड़ी मात्रा में लोगों को एकत्र करने के लिए राष्ट्रीय शोक को भी भूल जाना, कांग्रेस नेताओं द्वारा इस तरह की गई हरकत पर लोग भारी गुस्सा हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को अनाज मंडी में आयोजित कांग्रेस की परिवर्तन रैली के दौरान पुलवामा में सैनिकों के अंतिम संस्कार से पहले रैली आयोजकों द्वारा बुलाए गए पंजाबी गायकों द्वारा मुख्य मंच के पास में बनाए गए स्टेज पर मनोरंजन के लिए गीत पेश करने व उस पर झूमने नाचने गाने और ठुमके लगाने के लिए अनेक राजनीतिक पार्टियों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। हालांकि कुमारी सैलजा के आने के बाद में वे स्टेज से चले गए थे, गायकारों ने अपना गाना बजाना बंद कर दिया था, मगर कांग्रेस के इस कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा मंच के साथ बनी स्टेज पर पंजाबी और हरियाणवी में गाने गाने तथा उन पर नाच गाना करने से लोग खासे नाराज दिख रहे हैं कांग्रेस से। लोगों का कहना है कि कांग्रेस को देश की सेना के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि रैली के दौरान इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना सरासर गलत है, जबकि उन्हें पता था कि राष्ट्रीय शोक है। इससे पता चलता है कि उनके मन में शहीदों सैनिकों के प्रति संवेदना नहीं है। वहीं इस बारे में भाजपा हलका अध्यक्ष सुखविंदर गोयल ने बताया कि इस तरह से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करा करके सरासर गलत कर रही है। इस बारे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव मंडल के सदस्य रामचंद्र सहनाल ने भी कहा कि इस समय पूरा देश शोक में है और यह समय देश के हित में नहीं है और इससे पहले मंथन किया जाना चाहिए था। इस दौरान इस तरह का अशोभनीय कार्य शोभा नहीं देता। हालांकि जब इस बारे में राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने इस तरह का कोई कार्यक्रम पेश नहीं किया गया है और रैली की शुरुआत की गई है। जब रैली की शुरुआत हुई तो वह भी सैनिकों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रख की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी दृढ़ता के साथ शहीद सैनिकों के और उनके परिवार के साथ है और पुलवामा की घटना को लेकर के पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी पूरा रोष है। आप देख रहे हैं पल पल की ये विशेष रिपोर्ट।